को बचाने के लिए मैंने पता नहीं क्या से कितने झूठ बोले, पाकिस्तान को गाली दी, लोगों को गाली दी सिर्फ सचिन को बचाने के लिए। दोस्तों आज सीमा की एक और ऑडियो लीक हो चुकी है, आप सबको सुनाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज सीमा का असली चेहरा आपको दिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों एवरीवन, उम्मीद करता हूँ मेरे साथ बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आपका भाई मोहम्मद साजिद सऊदी अरब जद्दा से, आप लोग देख रहे हो साजिद ऑफिशियल 5014 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास सीमा की एक और ऑडियो आ चुकी है। यकीन माने सीमा का असली चेहरा आज बेनकाब करने वाला हूँ। हमारे साथ रहें, इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। जो सीमा चंद दिन पहले भी कह रही थी झूठ है ये पाकिस्तानी यूट्यूबर वीडियो एडिट कर देते हैं, मुझे किसी ने नहीं मारा, वो भी सच था। आज जो मैं आपको ऑडियो सुनाने वाला हूँ ये भी सच है। सीमा कब तक झूठ बोलती रहेगी? हमारे पास एक एक सबूत मौजूद है, आपने गौर से ये ऑडियो सुननी है और तवज्जो करनी। अदमरी छोड़ दिया, लोगों ने आके मेरे मुंह में पानी डाला था, तभी लोहे के डंडे क्या किया था, मुन्नी रो रही, मुन्नी को इतना जोर से थप्पड़ मारा भैया, मुन्नी की पीठ की 5 उंगलियां छप गई। सचिन आप सुन रहे हो क्या कह रही है? सचिन ने इतना मारा, मैं बेहोश हो गई थी और सामने वाले जो मेरे हमसाए हैं उन लोगों ने आके मेरे ऊपर पानी डाला। मुन्नी को सचिन ने हाथ मारा, गाल के ऊपर उंगलियों के निशान हो गए। ये भी आप सुने और सुने, इसकी ऑडियो आज बहुत बड़ी हमारे पास पहुंची है और सीमा का असली चेहरा आज हम बेनकाब करने वाले हैं। यकीन माने इस घटिया औरत ने कितना झूठ बोले हैं वो खुद बता रही है, सुने गौर से। नहीं, क्योंकि मैंने रोक रखा था, मैंने कहा था तेरी मम्मी को मार देंगे क्योंकि तुम लोगों ने बोला, तो मेरी माँ के लिए बोलते थे, मेरे बच्चे रोते हैं भैया जब मुझे मार खाता देखते हैं। मेरे बच्चे रोते हैं भैया जब मुझे मार खाता देखते हैं, मेरे बच्चे नहीं बोलते थे, हम हैदर के बेटे हैं, इस वजह से सचिन ने डरा रखा था, मम्मी को मार देंगे। ये मैं नहीं सीमा कह रही है, सीमा की ज़ुबानी सुने। जो आज हमारे पास सीमा की कॉल लीक हुई है वो हमारे पास आई है, वो ही आपको सुना रहा हूँ, गौर से सुने और सुने, मैसेज बहुत बड़ा है। बच्ची मुझे गले लगाते हैं, मम्मी मत मार, मम्मी को मत मार, मम्मी को गले लगाते हैं बच्चे, मम्मी को मत मारो, मम्मी को मत मारो। बच्चे सीमा का हाल देखते हैं जब सीमा को सचिन मार रहा होता है। ये मैं नहीं सीमा कह रही है, अब सीमा कहे ये मैसेज गलत है तो यकीन मानना मैं वीज़ा लेके इंडिया आऊँगा, सीमा को लितर मैं मारूँगा। बेगैरत औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर चीज़ फेक है, तुम सच्ची हो, सचिन सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ा खुश हूँ दोस्तों, सीमा को मार पड़ रही है, सीमा को सचिन मार रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल से खुश हूँ। इस घटिया औरत ने हैदर का घर बर्बाद किया। आगे सुने, आगे सुना रहा हूँ क्या कह रही है। बच्चे रोते हैं, ये सीमा अपने यार से बात कर रही है। उससे बड़ा दुख तो ये दे रहे हैं, उससे बड़ा बहुत बड़ा दे, बस हो के मैं रोती हूँ, मुझे तभी निकाल दे, मैं कहाँ जाऊँ, वो सचिन बेवास होके मैं रोती हूँ, अगर सचिन ने निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। ये मैं नहीं सीमा कह रही है, ये भी सीमा का मैसेज है, आवाज़ भी सीमा की रियल मैसेज है। आज मेरे चेहरे पे आप खुशी देखें, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सीमा को कुटाई हो रही है, सीमा को पिटाई हो रही है, ये सीमा का हक है मार झलना। सीमा आगे क्या कह रही है, आगे ये पूरा मैसेज सुने। आज सीमा के मैं पूरे कपड़े उतारने वाला हूँ। इस घटिया औरत को लग पता जाएगा जब ये मेरी वीडियो देखेगी, इसके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी। ये पूरा मैसेज सुने, मार रहे हैं बिल्कुल, मरने जैसा छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बेहाल हो जाती, फिर छोड़ते हैं, मरने जैसा हाल हो जाता है, सचिन मारता है इतना फिर छोड़ जाता है, जब वापस आता है दोबारा मारता है। ये मैं नहीं सीमा कह रही है। सचिन को बोलने नहीं आता, जब मैं टीवी पे कोई इंटरव्यू देती हूँ तो मेरी निगाह सचिन के चेहरे पे रहती है, अगर इसने गलत बोल दिया तो सब
काम पे पानी फिर जाएगा। ये मैं नहीं, सीमा कह रही है। और सुने सीमा के आज पूरे कपड़े उतारने वाला हूँ, जो झूठ बोलती रहती है, जो कहती है पाकिस्तानी लोग ख़राब हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर ख़राब हैं, सब एडिट करते हैं। सब एडिट नहीं करते, आपका चेहरा बेनकाब करते हैं, हकीकत दिखाते हैं। सीमा को ऐसे बेनकाब करो, सीमा कहीं मुंह छुपाने के काबिल ना रहे। इस घटिया औरत ने हैदर का घर बर्बाद करके 4 बच्चे लेके इसने अपनी कब्र अपने हाथों से खो दिए। और सुनो सीमा का गंदा चेहरा, और देखो दोस्तों सीमा कितनी झूठी है, कितना घटिया इसका चेहरा है, इसकी जुबानी सुने। लोग कह रहे थे जिनको क्या देखती रहती, सचिन को यही देखती थी कहीं गलत ना बोल दे, और जब इनको बोलना नहीं आता था मैं इनका हाथ दबाती थी, पीछे कान में बोलती थी कि ये बोलो। सचिन को बोलना नहीं आता, मैं हाथ दबा देती थी पीछे से कहीं गलत ना बोल दे, ये मैं नहीं सीमा कह रही है। मैंने पता नहीं क्या से कितने झूठ बोले पाकिस्तान को गाली दी, मैंने कितने झूठ बोले पाकिस्तान को गालियां दी सिर्फ सचिन के लिए, ये भी मैं नहीं सीमा कह रही है। आज सीमा सच बोल रही है, आज सीमा सच बोल रही है। दोस्तों दोबारा सुने, बचाने के लिए मैंने पता नहीं क्या से कितने झूठ बोले पाकिस्तान को गाली दी, लोगों को गाली दी सिर्फ सचिन को बचाने के लिए। सचिन को बचाने के लिए मैंने पाकिस्तान को गाली दी और लोगों को गाली दी, सीमा कह रही है। यकीन माने आज सीमा का गंदा चेहरा मुकम्मल बेनकाब हो चुका है। सीमा के 3 और 4 कपड़े हमने उतार दिए हैं। जो झूठ बोलती थी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती थी, जो हैदर को गालियां देती थी, आज सीमा अपनी वॉइस सुन के मैं कसम उठा रहा हूँ सीमा के, जब ये वॉइस जाएगी ना नज़दीक, सीमा के पाँव से ज़मीन निकल जाएगी, लग पता जाएगा सीमा को किसके साथ इसने पंगा लिया है। और दोस्तों मैं आपको बड़ी खबर देता चलूँ, जिसने ये हमें वॉइस सेंड की उसका बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताता चलूँ, सीमा के साथ बच्चे नहीं रहते, बच्चे कहीं और जगह पे होते हैं, सीमा कहीं और जगह पे होती है। इतना सीमा के ऊपर तशद्दुद होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, और मैं खुश हूँ। मैं चाहता हूँ सीमा को इससे ज़्यादा मारा जाए, क्योंकि सीमा ने एक सच्चे इंसान का घर बर्बाद किया है, सच्चे इंसान को धोखा दिया है। मैं चाहता हूँ सीमा को थोड़ा इससे ज़्यादा मारा जाए, पीटा जाए, लित्तर मारने चाहिए सीमा को, सीमा के कपड़े उतार के मारने चाहिए। इस घटिया औरत ने पाकिस्तान को गाली दी, सीमा तुम्हारी औकात क्या है? पाकिस्तान के अंदर खाया पिया फिर उसको गाली दी, हमारी कंट्री को? तुम्हारा पाकिस्तान के ऊपर कोई हक नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम वहीं मरोगी, सचिन तुम्हें मारेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। आपका एक एक सबूत हमारे पास पहुंच चुका है, आज हमने मुकम्मल सीमा को बेनकाब कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें और वीडियो कर दें लाइक। ऐसी बहुत लेटेस्ट न्यूज़ आप सबको देता रहता हूँ। आज हमने मुकम्मल सीमा का चेहरा बेनकाब किया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, चैनल का भी ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।